नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ नैन्सी सेठी। वर्ल्ड कप टीम की तैयारी काफी ही जोरों शोरों से हो रही है। वर्ल्ड कप टीम की अनाउंसमेंट भी हो चुकी है और इस टीम में कई सीनियर प्लेयर्स को मौका नहीं मिला है, आप सभी जानते हैं। यहां पर युवराज सिंह को भी मौका नहीं दिया गया, जिसको मद्देनजर रखते हुए यहां पर जनता तो काफी ज्यादा उदास है। जब अनाउंसमेंट हो रही थी टीम की, तब हम यहां पर खुद देख रहे थे किस तरह से यहां पर हमारे ही ऑफिस में लोग चाहते थे कि युवराज का नाम अनाउंसमेंट के दौरान लिया जाए, मगर जब वहां पर युवराज का नाम इस लिस्ट में शामिल नहीं हुआ, तब हर एक इंसान के चेहरे पर वो शिकन आ गई। ऐसे में वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा तो वो नहीं है, मगर वर्ल्ड कप टीम में जहां पर धोनी को जगह मिली है, खुद ना सेलेक्ट होकर युवराज ने धोनी को लेकर कई ऐसी बातों का जिक्र किया है, विराट कोहली को लेकर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कही हैं जिसे यकीनन आप जानने के बाद युवराज की तारीफ करेंगे। भले ही वो खुद नहीं है यहाँ पर, वर्ल्ड कप टीम में नहीं खेलेंगे युवराज, ये आप सभी जानते हैं, मगर उसके बावजूद भी युवराज अपने इसी बिहेवियर के लिए जाने जाते हैं। भले ही मैदान में कई बारी बल्ला चलता है नहीं चलता है, ये सब डिपेंड करता है आपके लक पर, क्योंकि मैदान में जब बल्ला चल जाए तब वो मैच आप जीत भी जाते हैं, मगर अगर किस्मत में ना हो तो जीता हुआ भी हार जाते हैं, जैसे कल हुआ CSK के साथ। फिलहाल यहाँ पर युवराज ने चेन्नई में, यानी कि यहाँ पर युवराज ने किस तरह से चेन्नई टीम के कैप्टन धोनी को लेकर ऐसी बातों का जिक्र किया है जिसे यकीनन जान के होंगे आप हैरान। क्या कुछ कहा है आप देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। इंडियन टीम के अनुभवी क्रिकेटर युवराज सिंह, जिन्हें विश्व कप खेलने का मौका तो नहीं मिला, मगर विश्व कप में जगह पाने वाले महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी को लेकर युवराज सिंह ने चुप्पी को तोड़ा। भले ही खुद वो विश्व कप में नहीं खेल रहे, मगर इसके बावजूद भी वो यहाँ पर धोनी की तारीफ करते देखे गए। यहाँ पर उनका कहना है कि भारतीय टीम के विश्व कप में प्रदर्शन के मद्देनजर महेंद्र सिंह धोनी की मौजूदगी अहम है। वहां पर मौजूद कप्तान विराट कोहली के लिए वो मार्गदर्शी हैं और फैसला लेने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। फॉर्म को लेकर धोनी का टीम में स्थान विवाद का विषय बना हुआ है, लेकिन पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर सहित अन्य ने कहा है कि मैच की परिस्थितियों को देखते हुए टीम ने ये अहम फैसला लिया। अब ऐसे में जिस तरह से यहाँ पर युवराज का कहना है कि भाई धोनी जो है वो एक मार्गदर्शक है, यहाँ पर वो विराट कोहली को फैसला लेने में काफी ज्यादा ही सजग रहेंगे कि किस तरह से फैसला लेना है। विश्व कप की बात है और इंडिया चाहती है कि विश्व कप इस बारी इंडियन टीम के हाथ में आए। आपको बता दें कि 2011 विश्व कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे युवराज से जब धोनी के बारे में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि मुझे लगता है कि माही का क्रिकेट ज्ञान शानदार है, विकेट कीपर के तौर पर आप खेल पर निगाह लगाए रखने के लिए बेहतरीन जगह पर होते हो, और उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में शानदार तरीके से ये काम भी किया। वो शानदार कप्तान रहे हैं, वो युवा खिलाड़ी और विराट का हमेशा मार्गदर्शन करते रहते हैं। और ऐसे में जिस तरह से विराट कोहली को भी महेंद्र सिंह धोनी जो है काफी ज्यादा ही सपोर्ट करते हुए देखे जाते हैं, मगर आप अगर यहाँ युवराज की बात की जाए तो युवराज खुद यहाँ पर विश्व कप नहीं खेल रहे हैं, विश्व कप से खुद तो वो बाहर है, मगर जिस तरह से वो यहाँ पर धोनी को लेकर तमाम बातें करते देखे गए। और आपको याद दिला दे कि वर्ष 2007 में विश्व T20 के दौरान एक ओवर में 6 छक्के जड़े थे युवराज ने, और कहा था इसलिए मुझे लगता है कि फैसला लेने के मामले में उनकी मौजूदगी काफी अहम है। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया और उन्हें इसी तरह से गेंद हिट करते हुए देखना अच्छा लगता है।
जैसे कि वो करते रहते हैं और मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं। हम तो यही चाहते थे कि युवराज सिंह भी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा होते, युवराज सिंह भी वर्ल्ड कप में खेलते, मगर जिस तरह से बीसीसीआई ने जब टीम की अनाउंसमेंट की और यहाँ पर कई सीनियर प्लेयर्स को मौका नहीं मिला, यहाँ पर ना तो सुरेश रायना खेल रहे हैं ना ही युवराज सिंह खेल रहे हैं। और वहीं अगर ऑस्ट्रेलिया टीम की अनाउंसमेंट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर अपने सारे अनुभवी खिलाड़ियों को मौका देता हुआ देखा गया। जी हाँ, काफी अनुभवी खिलाड़ी अब उनकी टीम में है, मगर यहाँ पर ना सुरेश रायना है ना युवराज है, और कहीं ना कहीं कोच रवि शास्त्री भी ये कह चुके हैं कि जहाँ पर आईसीसीआई को उन्होंने कहा था कि अब 15 नहीं 16 जनों की टीम को लेकर चलते हैं, तो उम्मीद थी कि क्या इस बार विश्व कप में युवराज होंगे वो 16th प्लेयर, मगर ऐसे में कहीं ना कहीं खुद तो वो विश्व कप में नहीं है, मगर फिर भी देखा जा रहा है कि टीम इंडिया का यहाँ पर वो कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, टीम इंडिया को लेकर वो जितनी भी चीजें कर रही हैं वो वाकई ही काफी शानदार भी हैं। हम यही चाहते हैं कि भले ही अभी इस बारी उन्हें मौका ना मिला हो, मगर T20 वर्ल्ड कप जो 2020 में होगा उसमें युवराज का जादू मैदान पर जरूर बिखरेगा।